रमन कोचिंग सेंटर में एक और नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम कक्षा 10 के गणित में पूछे जाने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इतना इजी वे में बताने जा रहे हैं, जहां कि आप इजी वे में 2 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। और वो क्वेश्चन है बहुपद से संबंधित। वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित की पहचान करें कि यह बहुपद है या नहीं। और बहुपद को पहचानने के लिए हम एक जबरदस्त तरीके को लाए हैं कि आप देखते ही बहुपद को आसानी से पहचान जाएंगे और 2 मार्क्स आप आसानी से गेन कर पाएंगे। तो आपके पास इस तरह के कुछ बहुपद दिए हुए रहेंगे। हम तो जो ट्रिक बताएंगे उससे आप ये क्या, अभी तो 1 से 6 क्वेश्चन लिखे हम, अन्यथा आप 6 के बदले अगर 600 क्वेश्चन भी बहुपद से संबंधित होगा कि आपको पहचानना है कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो आप उसे आसानी से पहचान पाएंगे। वो कैसे, तो देखिए सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, एक होता है चर। ये चर होता है ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर है ना, ये सभी चर कहलाते हैं। जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो चर होता है, और सारा खेल इसी चर पे टिका हुआ होता है बहुपद में। तो बहुपद पहचानने का सबसे पहला नियम जो होता है वो ये है कि किसी भी समीकरण का, चाहे वो द्विघात समीकरण हो या त्रिघात समीकरण हो या चतुर्द्विघाती समीकरण हो, बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद तो बहुत तरह के होते हैं, रैखिक बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात भी होता है। तो इसमें से क्या करेंगे आप, कि सबसे पहला नंबर ध्यान ये देना है कि किसी भी समीकरण में अगर उसका चर का घात कहीं ऋणात्मक हो गया तो वह कभी भी बहुपद नहीं होगा। जैसे x^-2, यहां देख रहे हैं कि ये x हमारा चर है और इसका जो पावर है, इसका जो घात है वो माइनस में है। अगर चर का घात कभी ऋणात्मक हो गया तो वह कभी भी बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद पहचानने का सबसे पहला नियम है। नंबर ऑफ 2, कि यदि किसी समीकरण में हमारा चर रूट में हो, √x, √x, तो आप समझ जाइए कि वह कभी भी बहुपद नहीं होगा। जैसे √x इस तरह से लिखा हुआ है कहीं, तो समझ जाइए कि वह आपका बहुपद नहीं है। देन नंबर ऑफ 3, अगर किसी समीकरण में आपका चर हर में आ जाए यानी 1/x, तो इस कंडीशन में भी वह कभी भी बहुपद नहीं होगा। ये 3 कंडीशन अगर किसी भी समीकरण में आप देख लिए तो समझ जाइए कि वह बहुपद के लिए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है। अगर ये 3 किसी भी समीकरण में है तो वो किसी भी सूरत में बहुपद नहीं होगा, और ये 3 नहीं है तो वह बहुपद होगा। तो इसलिए आइए चेक करके देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं क्या ये बहुपद है या नहीं, इसे पहचानते हैं। मैंने बोला कि अगर किसी का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता है। ऐसा कंडीशन आप देखिए 6 नंबर में, इसका जो घात है वो ऋणात्मक है, इसलिए यह कभी भी बहुपद नहीं होगा। मैंने बोला कि अगर किसी का चर रूट में है तो वह कभी भी बहुपद नहीं होगा। आप देखिए नंबर 3, यहां का जो चर है ये रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए हमने बोला था कि अगर किसी समीकरण में उसका हर में चर दिखाई दे तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। यहां देखिए हर में चर दिखाई दे रहा है, इसलिए कभी भी बहुपद नहीं होगा। यहां √x है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x अपना चर है और चर जब रूट में होता है तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। अगले सवाल में आप देखिए यहां क्या है, तो यहां आपका ये x है लेकिन रूट के अंदर नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा। यहां देखिए हमारे पास है x^2-4x,
अगर इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर चर है, घात भी है, पावर है, लेकिन कि ये प्लस में है और यहां माइनस में था, ये प्लस में है, ये बहुपद नहीं होगा लेकिन ये बहुपद होगा, ये वाला बहुपद होगा। इसमें भी देखिए पावर है, सब कुछ है, लेकिन ये तीन कंडीशन नहीं है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद होगा। तथा आप इन तीन चीज को बारीकी से अपने डायरी में नोट कर लीजिए। अगर ये तीन चीज आपको याद है तो कक्षा 10 के एग्जाम में ये 2 मार्क्स का जरूर पूछता है और आप देखते उसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।